हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज आपके लिए हम एट ब्रेकिंग न्यूज लेके आ रहे हैं। सबसे पहला क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा, तो इसके बारे में जो है आप सबको पता है 31 जुलाई को सुनवाई हुई थी। उसके बाद 7 दिन का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और सीबीएसई ने फिर 7 दिन का टाइम मांगा था जो भी आपके सिस्टम था उनसे बातचीत करने के लिए। तो इस तरीके से 14 अगस्त आपकी जो है डेट निकल के आती है, लेकिन इसमें एक दो दिन आगे भी हो सकता है। तो 14 अगस्त और 16 अगस्त तक आपका जो है फैसला आने का चांस है। 15 अगस्त को आपको पता है हॉलीडे है। अब सेकंड पॉइंट जो हमारा निकल के आ रहा है, सीबीएसई जो है हारेगा ये केस 6 रीजन से। सबसे पहले आप ये देखिए, आज सबके लिए सबसे पहला मैटर क्या हो रहा है, एग्जाम देना हो रहा है या और कुछ चीज हो रही है या अपनी लाइफ सबसे ज्यादा हो रही है। और जो 10th और 12th के छोटे छोटे एज के बच्चे होते हैं उनसे जबरदस्ती बाहर निकलवाया जा रहा है कि आप कोरोना में आइए। 70,000 डेली केस आ रहे हैं, गवर्नमेंट पहले इसको तो सेटल कर ले। अब हम देखते हैं स्टूडेंट सेकंड क्या आ रहा है सीबीएसई के अगेंस्ट जो है थिंग, वो जा रही है। स्टूडेंट क्या है, कंफ्यूज है, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, इधर उधर कंफ्यूज हो रहे हैं, न्यूज डेली देख रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोरोना का भी बाहर से खतरा हो रहा है। तो आप ये सोचते हो कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मेंटली जो है प्रिपेयर है इस टाइम एग्जाम देने के लिए, मुझे नहीं मानता। अगर मैं भी स्टूडेंट होता तो मुझसे एग्जाम ऐसी सिचुएशन में नहीं दिए जाते। अब स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर सबको क्या है, कोरोना से खतरा है। अगर एग्जाम कंडक्ट कराते हैं 2.5 लाख के आसपास स्टूडेंट, और अगर उनके साथ पेरेंट्स और जाए तो आप पेरेंट्स को ऐड कर लीजिए 7.5 लाख हो गया, और आपका टीचर्स का स्टाफ भी 50,000 के आसपास, तो 8 या 9 लाख स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को और टीचर को जो है आपके सेंटर्स हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए सीबीएसई ये चीजें कंडक्ट नहीं करा सकता। और ऑफलाइन एग्जाम तो पॉसिबल लग ही नहीं रहे जब 70,000 केसेस आ रहे हैं, कुछ स्कूल भी अभी तक ओपन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन पॉसिबल अभी नहीं है। और बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो एग्जाम है कंपार्टमेंट वो कैंसिल कर दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता है। एक कंट्री के अंदर दो रूल, बिहार के अंदर बिहार के जो स्टूडेंट है वो पास और सीबीएसई के स्टूडेंट कंपार्टमेंट के एग्जाम देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हम इक्वलिटी हमें दिखानी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी सीबीएसई मार खा रहा है। और सबसे बड़ी बात है केवी के अंदर आपका सेंटर गवर्नमेंट है और 9th 11th में जो सीबीएसई है उन्होंने खुद कहा है कि कंपार्टमेंट के जो एग्जाम है उनके उन बच्चों को प्रोजेक्ट बेस प्रमोट किया गया, उनको घर के लिए 8-10 क्वेश्चन दे दिए गए और उन्होंने क्या किया उसको बुक से देखा या किसी भी तरीके से उनके आंसर करके सबमिट कर दिया 1 वीक के अंदर, और वो स्टूडेंट्स क्या हो गए पास। तो सीबीएसई ये वाला फॉर्मूला ही फॉलो करेगी। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स जो है आपका सीबीएसई दो चीजों पर अड़ा बैठा है जिद पर। सबसे पहले कह रहा है स्टूडेंट का फ्यूचर खराब हो जाएगा, अरे भाई उसका एक एग्जाम भाई 4 सब्जेक्ट्स में वो बच्चा पास हो चुका है, एक सब्जेक्ट की वजह से उसका जो है फ्यूचर जो है आप डिसाइड कर दोगे। अरे फ्यूचर डिसाइड करना है ग्रेजुएशन में डिसाइड हो जाएगा, 12th में हो जाएगा। मान लिया सीबीएसई यही सोच के चल रही है कि गलत बच्चे को पास कर दिया है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने आप रुक जाएगा। आप अभी क्यों इंटरफेयर कर रहे हो कोरोना के टाइम पे, उसको अपनी लाइफ जीने दो स्टूडेंट को। और सेफ्टी मेजर कह रहे हैं कि सेफ्टी मेजर के साथ एग्जाम कराएंगे, कहां से करा लोगे आप, हमारे होम मिनिस्टर साहब नहीं बचे, अमिताभ बच्चन साहब नहीं बचे, कई मुख्यमंत्री नहीं बचे, आप कैसे जो है क्या सेफ्टी मेजर दोगे। स्टूडेंट्स जो नॉर्मल पीपल हैं वो कहां से जो है आपका जो है इतनी सेफ्टी जो है कर सकते हैं जब इतने हाई क्लास के पर्सन को दिक्कत हो सकती है। और स्टूडेंट स्ट्रेस में इस टाइम सीबीएसई को समझना पड़ेगा कि 11th का एडमिशन कोर्स उनके साथ वाले जो स्टूडेंट है उनका कोर्स आगे निकलता जा रहा है, वो पीछे होते जा रहे हैं। पहले ही वो पढ़ाई में चलिए थोड़ा वीक थे, अब आपने उनको और खत्म कर दिया, व्हाट इज द रीजन। और आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है उसमें भी उनका जो है नई लाइफ शुरू होने वाली थी, आपने उसमें भी क्या कर दिया, पानी छिड़क दिया। अब सीबीएसई के पास केवल ये बचे कि जनरल प्रमोट कर दे जो एक एक दो दो मार्क्स से बचे और दूसरे स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट बेस प्रमोट, यानी कि यही दो ऑप्शन सीबीएसई के पास बचते हैं। और आज जो है 809 स्टूडेंट्स ने आईसा के थ्रू क्या है PIN फाइल कर दी, और जिसमें एडवोकेट क्या है तानवी जी हैं, वो भी आपका अब पॉलिटिकल एंगल भी होता जा रहा है, तो सीबीएसई मुझे नहीं लगता एग्जाम ले पाएगी।
और एचआरडी मिनिस्टर जो है कंपार्टमेंट जो है आज उनको बोलना था, तो एचआरडी मिनिस्टर साहब जो है कंपार्टमेंट के टॉपिक पे बिल्कुल ही नहीं बोले। मतलब स्टूडेंट की लाइफ का क्या समझ रखा है, कोई सीरियसनेस नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ आज स्टूडेंट जीत गए, मैंने पूरा का पूरा लाइव सेशन देखा, उसमें कैंसल कंपार्टमेंट एग्जाम्स ये सबसे ज्यादा आपका ट्रेंडिंग में चल रहा था और नीट आईआईटीजी का भी यही चल रहा था। तो इस तरीके से कम आपका एचआरडी मिनिस्टर को ये तो दिखा दिया कि हाँ भाई जो है हम सारे प्रॉब्लम में स्टूडेंट, लेकिन एक एडवाइस है, थोड़ा थोड़ा स्टडी करते रहिए लेकिन आपके एग्जाम नहीं होंगे।